फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गौरी शंकर क्रेन सर्विस मेन रोड पर विधायक सुब्रत सिंह यादव का किया गया भव्य स्वागत। हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश निर्देश पर प्रदेश में होने वाले स्नातक और MLC चुनाव के लिए वह प्रदेश के सभी जोन में जाकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी संबंध में एक बैठक में भाग लेने के लिए मेरठ जा रहे हैं, जहां किस प्रकार चुनाव जीता जाए, किस प्रकार बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती हो तथा किस प्रकार मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को पहुंचाया जाए पर विचार मंथन किया जाएगा, ताकि 2022 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जा सके। प्रदेश में बहन बेटियों के साथ बड़े दुष्कर्म के संबंध में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारी सरकार हो चुकी है, पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या इस सरकार में हो रही है, जिसका 2022 में जनता जवाब देने के लिए तैयार है। आपने देखा कि पड़ोस के जिले में एक महिला पुलिसकर्मी ही अपनी सरकार के खिलाफ गुहार लगा रही है। अब सोचिए, जिन पर बच्चियों की सुरक्षा का जिम्मा है वही महिला पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा का जो है न्याय मांगने के लिए रो रही है, गा रही है, उसकी वीडियो आपके चैनलों पर ही हमने देखा है। तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में हालात है, आज उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सोचिए बच्चियों के लिए 1090 योजना चलाई, लेकिन ये सरकार आई उन्होंने एंटी लेवी शुरू किया, 1090 की गाड़ियों पर से मिटाकर एंटी रोमियो लिखाया, लेकिन हुआ क्या, भाई बहन ही पकड़े गए एंटी रोमियो के उसमें, और धीरे धीरे एक महीने के अंदर वो सारी योजना डिब्बे में चली गई। फिर इस समय कोई मिशन उशन चला रहे हैं, इनकी योजनाएं जमीन पर आम गरीब मजदूर किसानों तक नहीं पहुंचती हैं। ये सिर्फ नाम बदलना चाहते हैं, रंग बदलना चाहते हैं, पर एक काम करना नहीं चाहते। सरकार से पूरी जनता त्रस्त है और इसमें आने वाले 22 के चुनाव में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।